और ये बाप की जागीर नहीं है, ये जो रेलवे स्टेशन को कोई भी कलर आके कोई भी मार्क कोई भी कलर लगा के जाएंगे। मैं इस बात को कहना चाहूंगा ये हमारे बाप की जागीर है, 1871 में बना है रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर आ रहे तो ऐसा लगता है कि ये इसमें मस्जिद में ऐसा हम आ रहे हैं बोलकर ऐसा लगता है हमें। और मस्जिद के जैसा वो जो बोल रहे हैं, सबसे पहले तो मस्जिदों पर सिर्फ ग्रीन कलर नहीं रहता है। और अगर 15 दिन के अंदर ये रंग बदला नहीं गया तो 15 दिन के बाद हिंदू जागृति सेना खुद हिंदू कार्यकर्ताओं से पैसे इकट्ठा कर पूरा कलर लगा कर जाएगी। इनकी मंशा है फूट डालो और राज करो, और मंदिर मस्जिद के नाम पर राज करो, कलरों के नाम पर राज करो। जबकि वहां पर एक बंदा स्टेटमेंट दे रहा है कि हम आकर ऑरेंज कलर करेंगे। हम खुद हिंदू जागरूक सेना वाले स्टेशन में आकर हम खुद इसको ऑरेंज कलर लगा के जाएंगे। सबसे पहले तो ऑरेंज कलर किसका है? हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, उनके अमामे का कलर ऑरेंज है। और इन्हों बोल रहे हैं कि हम हिंदू जागृति सेना है, तो हिंदू जागृति के सेना का कलर जो है सैफरन कलर है। इनको खुद को नहीं मालूम कौन सा कलर क्या है बोल के। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, चुलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल, एमडीलीस प्रीमियम केक्स एंड डिजर्ट्स, एंड बाय आदर्स ट्रेडर्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जिनको कोई कलर नहीं मालूम, उन जिनको सिर्फ नफरत का कलर मालूम है, उनको ना हरा में फ़र्क पड़ता है, ना ऑरेंज में फ़र्क पड़ता है, ना सैफरन में फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली मैं भी वो देखा, वहाँ पर एक वीडियो भी मैंने देखा, आपके ही मीडिया के थ्रू आया था। वो जो कलर है उसका पिस्ता कलर है। सबसे पहले इट इज़ ए पिस्ता कलर, पिस्ता ग्रीन कलर। और मस्जिद के जैसा वो जो बोल रहे हैं, सबसे पहले तो मस्जिदों पर सिर्फ ग्रीन कलर नहीं रहता है, ज़्यादातर मस्जिदें अगर आप देखेंगे अलग अलग कलर्स में हैं, वाइट कलर्स में हैं। और इस्लामिक कलर बोलकर जो इस तरीके से जो बता रहे हैं, हमको जब ग्रीन से, सैफ्रॉन से, ऑरेंज से, तिरंगे से, किसी से भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिपार्टमेंट वहाँ पर तिरंगा लगाता है तो वेरी गुड, अगर वहाँ पर डिपार्टमेंट ये कर्नाटका का कलर लगाता है तो भी वेरी गुड। देखिए, जब तिरंगा लगाएंगे तो उसमें भी हरा है, अगर आप कर्नाटका का कलर लगाएंगे, झंडे का कलर लगाएंगे, उसमें भी हरा है। तो ये चीज़ एक पर्टिकुलर एक इश्यू को उठाना, बनाना उसको, बनाकर उसकी डोम के ऊपर चर्चा करना, डोम किसी भी एंगल से मस्जिद की डोम नहीं है। वो जो डोम बनाई गई है 2017 में रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। और एक भी चीज़ वहाँ पर ये भी सवाल आया कि किसी की बाप की जागीर नहीं है ये रेलवे स्टेशन बोलकर वहाँ पर एक बात आई। मैं इस बात को कहना चाहूँगा ये हमारे बाप की जागीर है, 1871 में बना है रेलवे स्टेशन। 1871 में कौन थे ये सब चीज़ें बोलने की नहीं है। देखिए, यहाँ पर इनको ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत थी कि गुलबर्गा को एक डिवीज़न बनाया गया था, रेलवे डिवीज़न बनाया गया था बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार जब आने के बाद इन्होंने डिवीज़न से हटाया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बजाय वहाँ पर कलर कौन सा लगे, वहाँ पर कौन सा काम करे, इस चीज़ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों को पहले तो इससे मालूम होता है कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा है फूट डालो और राज करो, और मंदिर मस्जिद के नाम पर राज करो, कलरों के नाम पर राज करो, हर चीज़ पर राजनीति ये लोग करना चाहते हैं। ये नफरत की ये सिर्फ कौन सा कलर जानते हैं, ना ही ना तिरंगे का कलर जानते हैं, ना ही ये इवन अपने सैफरन कलर का भी नहीं जानते। जबकि वहाँ पर एक बंदा स्टेटमेंट दे रहा है कि हम आकर ऑरेंज कलर करेंगे। सबसे पहले तो ऑरेंज कलर किसका है? हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, उनके अमामे का कलर ऑरेंज है। और इन्हों बोल रहे हैं कि हम हिंदू जागृति सेना है, तो हिंदू जागृति के सेना का कलर जो है सैफरन कलर है। इनको खुद को नहीं मालूम कौन सा कलर क्या है बोल के। तो जिनको नफरत का कलर जो लोग जानते हैं उनको यही कलर दिखता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये कंडेम भी करता हूँ कि जिस तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली 2 घंटे में वहाँ पर वाइट कलर स्टार्ट किया, हमें ना वाइट कलर से प्रॉब्लम है, और ना ही हरे कलर से प्रॉब्लम है, और ना ही सैफरन कलर से प्रॉब्लम है, ना पिस्ता ग्रीन कलर से प्रॉब्लम है। अगर हमें प्रॉब्लम है तो ये जो हेट कलर ये लोग जो फैला रहे हैं, इस कलर से हमारे को प्रॉब्लम है। देखिए, इतनी अफसोस की बात है
और एक हंसी मजाक की भी बात है कि 10-12 नौजवान लड़कों ने गुलबर्गा रेलवे स्टेशन में ऑफिसर्स को जाके एक मेमोरेंडम दिया कि ऐसा ग्रीन कलर का आपका वॉल्स दिख रहा है, मस्जिद जैसा माहौल दिख रहा है। सिर्फ खाली एक मेमोरेंडम देने पर, 10-12 लड़के जाके देने पर, गुलबर्गा जो रेलवे स्टेशन के ऑफिशियल्स ने ताबड़तोब इमीडिएटली सिर्फ ये चंद बच्चों नौजवानों के कमेंट्स को लेकर, मेमोरेंडम को लेकर, जो इमीडिएटली जो सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर जो कलर चेंज करने का जो फैसला लेकर इमीडिएटली कलर चेंज करने का जो काम किए हैं, बहुत ही शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और एक ऐसा लगता है कि अब इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं, मॉबक्रेसी चल रही है। कोई भी एक 15-20 लोग जाएंगे और हिंदुत्व के नाम पर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर ऐसा है बोल के बोलने की देर है कि एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है कि जब का जब फैसला सुनाने के लिए। मैं कलबुर्गी रेलवे ऑफिशियल से डिमांड करता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी अगर डिसीजन लेना है तो एक उसके ऊपर मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद उसके ऊपर एक टेंडर बुलाया जाता है। आप 1-2 घंटे के अंदर एक मेमोरेंडम को एक्सेप्ट करते हैं, इमीडिएटली पेंटर और पेंट रेडी होकर सीधा वाइट वॉश करके वो कलर चेंज करते हैं, इसके ऊपर हम उसका सवाल करते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टेशन मास्टर, कलबुर्गी स्टेशन मास्टर और रेलवे ऑफिशियल्स वो लोग ही ये 10-15 बच्चों को जमा करके आप मेमोरेंडम दीजिए, हम इमीडिएटली चेंज करते हैं, उनको ऐसा नाटक लग गया जैसा दिख रहा है। क्योंकि जब मीडिया वाले जब उनको जाके जब सवाल कर रहे हैं तो किसी के पास जवाब नहीं है, ये कहाँ से अप्रूव हुआ है चेंज करने का, किसी के पास कोई ऑफिशियल्स जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक, अफसोस की बात है। हम इसी तरह देखते हैं बैंगलोर में एक 10-12 लोग जमा हुए, मंदिरों के पास गए कि यहाँ पर मुस्लिम्स के मंदिरों के पास मुस्लिम्स के स्टॉल नहीं लगाना बोल के बोले, वहाँ पर एक मुस्लिम ट्रेडर्स बैकआउट चला है। एक 10-12 हिंदू के लड़के जमा हो गए, हलाल कट होना है, हलाल कट नहीं होना है, झटका कट होना है बोल के वो एक कैंपेन शुरू करें। मतलब ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर एक डेमोक्रेसी नहीं, मॉबक्रेसी चल रही है। 10-15 लोग जमा होंगे और उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेंगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, चुलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल, एमडीलीज प्रीमियम केक्स एंड डिजर्ट्स, एंड बाय आदर्श ट्रेडर्स।